आपके लिए नया एक डिश लेके आए हैं। हम बनाएंगे मटर खिचड़ी हर चीज देके। तो क्या क्या सामान लगेगा और कैसे हम बनाएंगे वो सारा हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए खिचड़ी के लिए हम यहाँ पे लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे हम 400 ग्राम चावल लिए हैं, खीर वाला चावल जो इसको बोलते हैं बादशाह भोग चावल, और भी इसका नाम बहुत सा है। ये कोई भी किराने का दुकान में मिल जाता है। आप चाहे तो कोई भी अरुआ चावल से भी बना सकते हैं खिचड़ी। आप भात का भी चावल से बनता है, कोई भी चावल से बना सकते हैं, पर हम इसी से बनाते हैं। तो देखिए ये हमने 400 ग्राम चावल लिया है। यहाँ पे देखिए 3 पीस हमने मीडियम साइज का आलू लिया है, इसको बढ़िया से हमने छील के काट लगा लिया है। यहाँ पे हम छोटा साइज का 3 पीस गाजर लिए हैं, ऑरेंज वाला गाजर हमने लिए हैं, इसको भी हमने छील के कट लगा लिए इस टाइप का। एक टमाटर लिए हैं गोटा, इसका मुंह हमने कट लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मसाला में हमने हींग लिया है, हींग हम बाद में देंगे, कितना देंगे आपको दिखा देंगे। एक हम लिए हैं मैगी मसाला, कुछ हमने लिया हुआ है करी पत्ता, छोटा साइज का था, 7-8 पीस हमने लिया हुआ है। 2 टीस्पून यहाँ पे देखिए गोटा जीरा हमने लिया हुआ है। यहाँ पे 2 टीस्पून हमने लिया हुआ भर के हल्दी, 1/2 चम्मच हमने लिया हुआ जीरा पाउडर, 4 से 5 हमने हरा मिर्च इस तरीके से काट लगा लिया है, अदरक हमने 1/4 भाग हमने इसको कुची कुची काट कर लिया है, लहसुन हमने 10 से 12 पीस कर लिया इस टाइप का कुची कुची कर लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज हमने इसको इस टाइप का काट लिया कुची कुची, कुछ धनिया पत्ता हमने बारीक काट लिया है, चीनी मटर हम इस टाइप का छुड़ा लिए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हमने देसी घी लिए हैं, ये वाला गर्म है इसीलिए ये पिघल रहा है, कहीं कि इनका नीचे में हीटर चलता है इसीलिए ये शिल्पो गर्म है, तभी जाके घी हमारा पिघल गया है। नमक हम स्वाद अनुसार देंगे। अब चलिए चूल्हा का तरफ। ये चूल्हा में हम एक पतीला बैठा दिए हैं जिसको हंडिया बोलते हैं भारत का हंडिया में। तेल हम तकरीबन 125 ग्राम तेल हमने सरसों ऑयल दे दिया, इसमें हम गोटा जीरा दे देंगे। अब इसमें पहले हम ऐड करेंगे प्याज, और इसको हम हल्का फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन जो हमने बारीक कट के रखा है, और ये 2 चीज को हम बढ़िया से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए लहसुन प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये अदरक, हरा मिर्चा, इसको भी हम हल्का फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये आलू, टमाटर, गाजर, चीनी मटर, इसमें 2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, और इसको बढ़िया से हम ये मसाला में मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, ये हल्का फ्राई हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम चावल हमने धो लिया है, चावल इसमें ऐड कर देंगे। पानी नहीं देंगे, चावल देंगे, नीचे का जो पानी हमने फेंक दिया थोड़ा सा था, सारा चावल बहुत छोटा छोटा होता है ये चावल, और खीर में जितना खुशबू देता है खिचड़ी में भी वैसे ही खुशबू रहता है, बहुत अच्छा लगता है। खिचड़ी तो बहुत किस्म का खाए हैं, पर हमारा स्टाइल में एक बार बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है, इसमें में ही है। अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ये जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून हमने गोल मरीच पाउडर लिया हुआ भुना हुआ है। अब इसको हम चला लेंगे, हो गया है। अब पानी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन हम
2 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। देखिए 2 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक हम ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो देखिए 1 चम्मच हमने ले लिया, पहले हमने दिया था 2 टीस्पून और अभी भी तकरीबन 2 टीस्पून, तो 2 चम्मच टोटल हमारा नमक इसमें ऐड हुआ है। अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। चारों तरफ जो चावल वगैरह हमारा सटा है इसको हम छुड़ा लेंगे, नीचे का और एक बार छुड़ा लेंगे, इस टाइप का चला देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर हम नहीं देंगे क्योंकि सब खिचड़ी एकदम सिंपल फीका खाने का मन करता है घर में हमारा, मिर्चा वाला ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम हरा मिर्चा का क्वांटिटी ज़्यादा दिए हैं, 5 पीस दिए। ये देखिए यहाँ पे एक साइड हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें तेल दे दिए हैं, तो यहाँ 25 ग्राम तेल दे दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन चीज है खिचड़ी के लिए वो हम नहीं दिखाए थे, आप दिखा दे रही हैं, क्योंकि ये साइड में हम रख दिए थे इसीलिए नहीं दिखा पाए। ये मूंग दाल और मसूर दाल दोनों है, हमने मिक्स कर लिया है 100-100 ग्राम। अब क्या करेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम सूखा मिर्चा 4 पीस और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें जो करी पत्ता दिखाए थे वो करी पत्ता ऐड कर देंगे इस टाइप का। अब इसमें दाल हम ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा हल्का हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दाल हमारा हाफ फ्राई हो गया है। अब इसमें जो हम गुंडा मिर्चा नहीं दिए खिचड़ी में, उधर तो आप देखे हैं, उसका जगह में हम काट लिए हैं 4 पीस लाल मिर्च, फ्राई करके दे दिए। दाल में हमारा खुशबू आ गया है, हम चावल का साथ इसीलिए नहीं दिए क्योंकि करी पत्ता का खुशबू और सूखा मिर्चा का खुशबू पूरा दाल में आना चाहिए, इसीलिए हम चावल का साथ वो सब किए हैं। आप चाहे तो संग में ही हर चीज चावल का साथ दे के भी दाल भूज के आप फ्राई करके डाल सकते हैं। तो देखिए दाल फ्राई हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे, इधर देखिए जो पतीला में हमने चढ़ाया था सब उसी में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए सारा दाल हम ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम बढ़िया से थोड़ा चला लेंगे। ताकि हमारा दाल चावल सब्जी एक बार सब मिक्स हो जाए। देखिए पूरा मिक्स कर लिए हैं। अब हम ढक्कन ढक देंगे उबाल आने तक। तो ये देखिए उबाल आ गया है। अब इसका ढक्कन खोल देंगे, इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे इस टाइप का। अब क्या करेंगे, फ्लेम हम फिर से लो कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए इस टाइप का ढक के हम पकाएंगे। ये देखिए दाल चावल आलू मटर देके हमारा खिचड़ी चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम 4 पीस मीडियम साइज का आलू हमने इस तरीका से काट लिया, खिचड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है बैगन का चोखा, पर हमारा पास बैगन नहीं है इसीलिए हम आलू का फ्राई बनाएंगे, आलू का भुजिया। तो देखिए 2 पीस हमने हरा मिर्च बीच से काट लगा लिया, आधा प्याज ये हम ऐड कर देंगे, इसमें आलू ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून नमक हम ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून हल्दी हमने ऐड कर देंगे और इसको हम चला लेंगे थोड़ा।
आलू फ्राई का छोड़ा हुआ हमारा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जो खिचड़ी का साथ ये बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए हमने दिखाया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ढक के पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है, हमने लो फ्लेम में इसको पका रही हूँ। इसको थोड़ा चला लेंगे, देखिए नीचे में एकदम नहीं लगा, दाल चावल हमारा गल के आ गया है। अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए जो मैगी मसाला हमने रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, पर मैगी मसाला देने से थोड़ा इसका स्वाद और एक गुना बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। मैगी मसाले में भी हल्दी पाउडर रहता है, इसीलिए हमने कम हल्दी दिया था, 2 टीस्पून, ये इसका समय मेकअप हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, उसी टाइप का ही लो फ्लेम में ही हम पकाएंगे अभी और 2 मिनट। बड़ा झटपट बनता है, अब बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनेगा। ये देखिए हमने फिर से इसको 4 मिनट रख दिया था इसी धीमी आंच में, एकदम लो फ्लेम में। अब बीच बीच में हम चला लिए थे, तकरीबन हम 4-5 बार इसको चला लिए हैं ताकि नीचे में पकड़ नहीं ले। अब क्या करेंगे, इसमें हम हींग जो आपको दिखाए थे, ये अच्छा क्वालिटी का है हींग, तो ये हम स्पेशल खिचड़ी में देते हैं, खिचड़ी वगैरह जो बनता है उसमें देते हैं, बहुत सा डिश बनता है उसमें देते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए हमने हींग तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया हुआ, अब इसमें हम हींग दे देंगे और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे ताकि हींग का खुशबू हमारा खिचड़ी में बढ़िया से फैल जाए। आप क्या करेंगे, जो कटा हुआ धनिया पत्ता है इसमें ऐड कर देंगे। ये बन गया है, एक होता है सूखा टाइप का, अगर आपको सूखा चाहिए तो और 1 मिनट इसको रख दीजिएगा और उसका बाद खाइएगा। और अपना सामान का क्वांटिटी का हिसाब से हर चीज कम बेसी कर सकते हैं, जो चीज इसमें पसंद नहीं आए वो डाल ना, जरूरी नहीं है, आपको जो पसंद आए वही डालिए। अब इसमें जो ये टमाटर है इसको अब हम फोड़ देंगे, क्योंकि पहले फोड़ने से चावल में एक ठो टाइट पन आ जाता है, वो नहीं होगा, वो अपने गलते रहेगा, अपने होते रहेगा। तो देखिए सारा चीज हमारा हो गया है, 10 से 12 मिनट है खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो जाएगा इस टाइप का, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे, जो देखिए देसी हमने गाय का घी जो रखा था, किचन का गर्मी से ये पूरा गल गया है, अब इसको हम पूरा ऐड कर देंगे इसी, क्योंकि ये घी मिलता नहीं है, ये हम खुद अपना हाथों से घी उठाए हुए हैं दूध से। अब इसको क्या करेंगे, बढ़िया से हम चला देंगे, नमक वगैरह पानी वगैरह मसाला आप अपना सामान का क्वांटिटी का हिसाब से दीजिएगा, अगर आपको चीख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत नमक कम भी लगे तो बाद में ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत पानी भी आपको कम लगे तो गर्म करके पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये बन गया है, अब इसको हम ढांक देंगे और ढांक के फ्लेम हम बंद कर देंगे, बंद में हम रखेंगे इसको 2 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो गया है, गाजर मटर टमाटर आलू दाल चावल दे के एकदम खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी टाइप का बना के खाइए खिचड़ी, एकदम परफेक्ट हुआ है, हर चीज़ लेवल में हुआ है, अब बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।